गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 3 मात्राएं फ्रॉम अवर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक। आपको जो नोटबुक में लिखना है जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। तो हेडिंग डालोगे लेसन नंबर 3 मात्राएं, राइट डाउन टुडेज डेट 27/10/2020। ओके, स्टार आपको वैसे ही स्टार करना है या कुछ भी एरो भी आप लोग कर सकते हो। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। सेकेंड लाइन, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। मात्रा का असली मीनिंग क्या होता है? जैसे त, तो त क्या है? त से तबला, तो त क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ किसकी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा। मीन्स ओ क्या है? ओ से ओखली। ओ क्या है? ओ स्वर है। तो व्यंजन के साथ जो स्वर का जो चिन्ह लगता है ये स्वर का चिन्ह है, ये आ की मात्रा है तो ये भी स्वर का चिन्ह है। तो ये जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा। ओके, तो क्या बन गया? त बीच में से आपको प्लस निकालना है, वो आपको पता ही है। त ओ की मात्रा तो, त आ की मात्रा ता, तोता तोता। तो बन गया तोता, एक शब्द बन गया। तो स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई कि स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं और जो स्वर का चिन्ह लगता है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब आपको एक एक्सरसाइज लिखनी है, सही क्रम में रखकर शब्द बनाओ। सही क्रम में रखकर शब्द बनाओ, ये जो है यहाँ पे जैसे इंग्लिश में आप जंबल लेटर्स करते हो ना, वैसे ये हिंदी में है। जो यहाँ पे लेटर्स दिए गए मतलब वर्ण दिए गए वो उल्टे सुलटे हैं, उसको सही कर आपको शब्द परफेक्ट बनाना है। मतलब सिक्वेंस में आपको इंसर्ट लिखना है। नंबर वन, नंबर वन में क्या है? आ छू क, आ छू क। तो क्या बनेगा यहाँ पे? छू क आ बनेगा? नहीं, क छू आ बनेगा। यस, तो सही मीनिंग में आपको ढूंढ कर सही क्रम में लिखना है, क छू आ। कछुआ मीन्स टर्टल, टॉर्टोइस, कछुआ कछुआ। नंबर टू, री क टो, री क टो, वो कुछ हुआ? नहीं। फिर मैं सेकेंड में जाऊंगी, आप दो तीन बार बोल के भी देखो, आपको समझ में आए कि नहीं मेरा ये सही आंसर नहीं है तो दो तीन बार उसको रिपीट करो, तो आपको रिपीट करने से सही आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला री क टो, वो तो ऑलरेडी गलत ही है। फिर मैं सेकेंड वर्ण पे जाऊंगी, कटोरी कटोरी, कटोरी सही है? यस, तो हम लिखेंगे क टो री। ओके, कोई ऐसा, कोई बच्चा ऐसा ओके ऐसा ढूंढे, टोकरी, तो टोकरी सही है? तो यस, वो भी सही है। तो आप कटोरी या तो टोकरी दोनों लिख सकते हो, या दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो भी दोनों सही है। ओके, कटोरी और टोकरी। नंबर थ्री, जहाँ भी आपको दो लेटर दिए गए हो, जहाँ भी आपको दो वर्ण दिए गए हो उसका आपको क्या करना है? यहाँ ये उल्टा है तो यहाँ ये जो वर्ण है वो पहले लिखना है, उसके बाद ये जो दूसरा है वो बाद में लिखना है, तो वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। ये आपके लिए इजी ट्रिक है। जहाँ पे दो वर्ण दिए गए हो वो सेकेंड वाला पहला लिखोगे, उसका उल्टा कर दोगे और उसके बाद तुरंत ये वाला लिख लोगे। ओके, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे दीगा, तो ये पहले लिखेंगे
गाडी, गाडी तो हो गया सही। नंबर फोर, राह, राह तो पहले मैं क्या लिखूंगी, सेकंड वाला हरा, हरा, हरा मीन्स ग्रीन, ग्रीन कलर, हरा, हरा। नंबर फाइव, हाचू, हाचू तो क्या आएगा उसका उल्टा, चूहा, 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 चूहा। नेक्स्ट, चाबगी, चाबगी राइट है, नहीं तो मैं सेकेंड वर्ड से स्टार्ट करूंगी, बगीचा, बगीचा राइट है, तो यस, तो पहले ब लिखेंगे, बगीचा, बगीचा मीन्स पार्क, ओके। नेक्स्ट, निहाक, निहाक सही है, नहीं तो मैं सेकेंड वर्ड से स्टार्ट करूंगी, हकनी, हकनी सही है, नहीं फिर मैं उल्टे उल्टे से स्टार्ट करूंगी, रिवर्स जाऊंगी, कहानी, कहानी सही है, यस तो कहानी, कहानी मीन्स स्टोरी, कहानी ओके। नंबर एट, खीरा, खीरा यहाँ दो ही लेटर है तो आपको इजी रहेगा, मैं पहले क्या लिखूंगी, रा, तो राखी, राखी, राखी ओके। नेक्स्ट, साठलापा, साठलापा तो ये सही है, नहीं तो ऐसे पढ़ूंगी, ठलापासा, ठलापासा सही है, नहीं थर्ड वर्ड, थर्ड लेटर में जाऊंगी, लापासाठ, लापासाठ सही है, नहीं तो ये कहा जाएगा, पाठ, पालाठसा, पालाठसा ये सही है, नहीं तो किसमें हम लिखेंगे, पा, पाठशाला, पाठशाला, पाठशाला तो यहाँ लिखेंगे, पा ठ सा ला, पाठशाला, पाठशाला मीन्स स्कूल। फिर टरमो, टरमो, टरमो सही है, नहीं रमोट, रमोट सही है, नहीं मोरट, मोरट सही है, नहीं मोटर, मोटर, मोटर सही है, यस तो लिख देंगे, मोटर, मोटर, मोटर ओके। तो ये है राइट, तो ये जो पूरा आपको अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट, टर्न योर पेज, न्यू पेज में आ जाओगे, लेसन नंबर फाइव में, न्यू पेज में लेसन नंबर फाइव। लेसन नंबर जो फोर है वो ऑलरेडी आपने आगे लिखा हुआ है, मीन्स चंद्रबिंदु वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द आपने बेसिक में ऑलरेडी लिखा है और उसकी वर्कशीट भी की है। तो ऑलरेडी हमने अनुस्वार और चंद्रबिंदु की वर्कशीट की है तो हम वो नोटबुक में नहीं लिखेंगे। सो राइट डाउन टूडेज डेट 27/10/2020। डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज ही करनी है, नए शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ, ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी ग्रामर टेक्स्ट बुक में भी की है लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको ये नोटबुक में लिखना है। कार, कार, नल, नल, अब मैंने एरो कहाँ किया है और लाइन भी कहाँ की है, का के ऊपर, तो जहाँ एरो की किया गया हो और लाइन जिसके नीचे हो वही हम यहाँ पे लेटर लिखेंगे, वर्ण लिखेंगे, का यहाँ पे कौन है, न, तो यहाँ लिखेंगे न, तो नया शब्द बन गया कान, कान, नया शब्द बन गया कान। वैसे यहाँ भी सेम टू सेम, टोपी, 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 तो यहाँ पे क्या है लाइन, किसके नीचे लाइन की गई है, तो टो के ऊपर,
तो हम लिखेंगे टो और यहाँ है पीली पीली पीली, तो ली के नीचे एरो किया गया है और लाइन दोनों, तो ली, तो क्या बना टोली, टोली मीन्स एक ग्रुप झुंड, टोली। नेक्स्ट हाथ हाथ हाथ, तो यहाँ कहाँ एरो किया गया है किसके नीचे, तो हा, तो हा लिखेंगे। और यहाँ पे साथी साथी साथी, तो ठीक है नीचे किया गया है, तो लिखेंगे हम, एक मिनट, सेंटर में आप लिखोगे हा थी, तो बन गया नया शब्द हाथी हाथी। नेक्स्ट चूहा चूहा चूहा, यहाँ पे हा के नीचे ही किया गया है, तो लिखेंगे हा और घर घर घर, तो र के नीचे किया गया है तो र लिखेंगे, तो बन गया हार, फूलों का हार आता है ना वैसे हार, या तो कोई कंपटीशन में कोई बच्चा कंपटीशन में हार गया। नेक्स्ट लास्ट समोसा समोसा, किसके नीचे लाइन है मो के नीचे, तो डायरेक्ट हम कॉपी करेंगे मो, और यहाँ पे खीरा खीरा, तो किसके नीचे लाइन है र के नीचे, तो लिखेंगे यहाँ पे र, तो बन गया नया शब्द मोर, मोर मीन्स पिकॉक। ओके, तो कान टोली, हाथी हार, मोर। तो ये जो है दो लेसन, लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 5 आपको अपनी ग्रामर टेक्स्ट ग्रामर नोटबुक में, हिंदी ग्रामर नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, बाय एवरीवन।